कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र भी बाधा नहीं बनती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुड़गांव की गीता गोदारा ने, जिन्होंने उम्र के 60 पड़ाव पार करने के बाद भी कराटे में अपना परचम लहराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 60 साल की गीता गोदारा ने थाईलैंड में हुई इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में गुड़गांव का परचम लहरा दिया। गुड़गांव की साई कराटे एकेडमी से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। मेडल जीतकर वापस लौटने पर एकेडमी के खिलाड़ियों ने उनका स्वागत भी किया। साई कराटे एकेडमी के डायरेक्टर कोच सुनील सैनी ने बताया कि मुकाबला काफी मुश्किल था। सबसे बड़ी चुनौती मलेशिया और जापान के खिलाड़ियों को पछाड़ने की थी, लेकिन गुड़गांव के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराते हुए इन खिलाड़ियों को चारों कोने चित्त कर दिया और मेडल पर अपना कब्जा जमाया। मैंने गोल्ड मेडल जीता है और तैयारी मैंने एक साल से तो मैं कंटिन्यू आ रही हूँ, दो दो घंटे प्रैक्टिस करती हूँ अकेडमी में, बहुत मेहनत करी है। मेरा मुकाबला हुआ एक तो थाईलैंड के साथ, एक दुबई, एक मलेशिया, 3 राउंड हुए मेरे। लगभग रोजाना कितनी देर आप प्रैक्टिस करते हैं? दो घंटे प्रैक्टिस करती हूँ मैं यहाँ पे दोनों पैर। घर वालों ने, किसी ने, परिवार वालों ने मना किया हो कि नहीं? परिवार वालों ने कोई मना नहीं किया, सपोर्ट करते हैं मेरा, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। 60 से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। हाँ जी, लेकिन इस उम्र में जो है हर कोई अपने घर पे रहता है, और आपने क्या सोच के जो है कराटे प्रतियोगिता के लिए आप आ गए? ये मेरे को शुरू से ही था, अच्छा लगता था स्पोर्ट्स में, पर ऐसा कहीं वो मेरे को नहीं, कोई जैसे लाफी एकेडमी ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैं अपनी पोती को यहाँ लेके आती थी एकेडमी में, तो इसके साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगे। अब आगे क्या तैयारी है और कौन से मेडल? तैयारी देखो, मेहनत करेंगे और जो परमात्मा जो करेगा सो अच्छा ही होगा। दुर्जय, आप कहाँ पे गए थे कंपटीशन के लिए और कौन कौन से मेडल जीत के आए? मैं थाईलैंड में गया था और 2 गोल्ड लाया हूँ। कौन सी कंपटीशन की हो? इन थाईलैंड इंटरनेशनल कराटे कप। किसके साथ मुकाबला हुआ था? डैडी। तो टोटल कितनी फाइटिंग हुई है आपकी? 1। एक में मुझे पाई मिली थी और एक में मैं विन कर रहा था। सुनील जी, कौन से कॉम्पिटिशन हुआ था और कहाँ पे हुआ था, कितने मेडल आए? ये थाईलैंड कराटे कप इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी बैंकॉक, बहुत ही बड़े लेवल का इवेंट था, इसमें काफ़ी देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इंडिया से कम लगभग 40 से 50 खिलाड़ी थे और हरियाणा से भी 3 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें गुड़गांव जिले से 3 खिलाड़ी साई कराटे अकेडमी के पाए, जिन्होंने सुबह शाम मेहनत करके इस टूर्नामेंट में अपनी जीत को हासिल किया। जिन्होंने 2-2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें काता घूमे थे, काता में गोल्ड आया हमारे और कुमित में एक सिल्वर है और बाकी हमारे सारे गोल्ड है। इसमें किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे? इस टूर्नामेंट के अंदर 6 साल से 14 साल और 60 साल के लिए भाग लिया। मैं एकेडमी से जो है सबसे कम उम्र का और सबसे ज़्यादा उम्र का सबसे कम उम्र का बच्चा है दुर्जय, जो 6 साल का बच्चा है, जो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है। आर्यो ज़्यादा बड़ी उम्र की बात करें तो है गीता गोदारा, जो सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, पावर ट्रेनिंग, लेग ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग, यहाँ तक कि काटा की ट्रेनिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, और औरों के मुकाबले इन्होंने उस चीज़ में भाग लेके अपने आप को जीत में दर्ज कराया। लगभग इनसे कितनी देर रोजाना मेहनत की जाती थी? डेली गीता जी के देखे डेली के 2-2 घंटे मेहनत होती है, और यहाँ तक कि रेगुलर इवेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील करते कि मुझे कैसे उस चीज़ को शो करना है, दिखाना है, यहाँ तक कि ये चीज़ प्रूव करी कि हाँ रेगुलरिटी बहुत खिलाड़ी के लिए। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं सामने? चैलेंजेस आए, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के सामने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे मलेशिया के प्लेयर है काफ़ी टफ थे, जापान के प्लेयर काफ़ी टफ है,
इंडोनेशिया का थे, इजिप्ट थे, यूक्रेन के थे, काफ़ी टफ्स है। लेकिन वही बात है कि अपने अपने राउंड के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे कॉन्फिडेंस से इन्होंने करके दिखाया। ऐसा नहीं था नहीं हो पाएगा या से हो नहीं पाएगा, मतलब एक जुनून था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मौके मिलते हैं लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौके सिर्फ उन्हीं को मिलते जो अपनी मेहनत को पहले ही शो कर चुका होता है, देख चुका है या परख चुका है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या हो सकता है मुझसे। मेरा नाम आशा बुदारा है, मैं मौर्या स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आप थाईलैंड में एक कॉम्पिटिशन में गए थे, क्या कॉम्पिटिशन और कौन सा मेडल जीत गया है? ये इंटरनेशनल कप टूर्नामेंट था और मेरा खाते में सिल्वर और कुमीत में गोल्ड आया है। किस तरह की आपने तैयारी की थी? मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी थी, दिन रात अपनी पूरी प्रैक्टिस अपनी जान निकालती थी, जितनी पैसे होती थी अपना पूरा बेस्ट देती थी। क्लास में, पढ़ाई में और कराटे में लगभग कितना समय देते थे, मैनेज कैसे करते थे? मैं सुबह उठ के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती थी, एक घंटा ट्रेनिंग करके जाती एंड देन रेडी होती स्कूल के लिए आती, फिर लंच करके इधर ट्रेनिंग करने आती, फिर जाके मैं 2 से 3 घंटा पढ़ाई करती, फिर उसके बाद डिनर विनर करके एंड देन मैं सो जाती। दोनों में बैलेंस करना, पढ़ाई की बात और खेल की बात, दोनों में बैलेंस किस तरह से किया? मैं पढ़ाई को भी लाइक जितना टाइम मैं ट्रेनिंग के लिए देती थी उतना तो नहीं दे पाई, मतलब ट्रेनिंग के लिए सुबह शाम मिला के 4 से 5 घंटे तो थे, बट पढ़ाई के लिए मैं 2 से 3 घंटा तो करती थी दिन रात मिला के। आपने वहाँ पे इंटरनेशनल प्रतियोगिता खेली है, किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले? काफ़ी टफ था मेरे लिए एक सेकंड के लिए, मतलब जो मेरा सेकंड या थर्ड राउंड था उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, बट मैंने फिर अपना बेस्ट दिया, पूरी कोशिश करी, फिर मैं गोल्ड मेडल जीत के आई।